क्या हुआ? अरे बैठो बैठो बैठ जाओ, बैठो तो सही। नहीं बैठा जा रहा। अच्छा बैठा भी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठो कोशिश करके बैठो। क्या हुआ, किस वजह से हुआ दर्द, क्या दिक्कत हो गई थी? उससे दर्द शुरू हो गया। चलिए बैठिए, आप बैठिए बैठ जाइए। आज मैं आप लोगों को वो पांच ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि आप जाने अनजाने में कर देते हैं और फिर कमर का दर्द ठीक ही नहीं होता। तो वो पांच गलतियां कौन सी हैं जिनको हमें नहीं करना है, और वो पांच अच्छी आदतें कौन सी हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी में उतार लेना है, जिससे मैं बताता हूं कि आपका पुराने से पुराना कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। लास्ट में पांचवा तरीका एक ऐसा भी बताऊंगा मैं आपको जो आपके कमर के दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो बैठने के गलत तरीकों से करते हैं। एक बार आप इधर आ जाएं। जो हम लोग कई बार बैठते हैं और ऐसा करते हैं कि जिससे कि सारा का सारा प्रेशर हमारी रीढ़ की हड्डी और उसकी आसपास की जो सपोर्टिंग मसल्स है उस पे पड़ता है। लोग अक्सर कहीं पर भी बैठ जाते हैं और अपना फोन लेके बैठते हैं तो वो इस तरह से सामने की तरफ झुक जाते हैं। जब वो फोन लेके झुकते हैं, इस तरह से देखते हैं लगातार फोन में नीचे, लंबे टाइम तक फोन को लगा के बैठे रहते हैं, तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो सीधी होती है वो इस तरह से पूरी की पूरी झुक जाती है। इसके झुकने से मसल्स पे सारा प्रेशर पड़ता है और आदमी को बाद में पता चलता है कि कमर में दर्द हो गया है। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सीधे बैठना चाहिए जब भी मौका मिले, और फोन को आपको अपनी आंखों के लेवल पर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट गलती लोग क्या करते हैं, जब फोन आता है काम में लगे रहते हैं और अपनी गर्दन को इस तरह से मोड़ लेते हैं। ऐसा मोड़ लेने से क्या होता है, ये गर्दन तो हमारी इधर मुड़ ही जाती है, साथ में जो नीचे की जो मसल्स है, यहां वाली जो मसल्स है, उन पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि पूरी मसल यहां से यहां तक खिंचती है। कभी भी लंबी बात यदि आपको करनी हो तो फोन को इस तरीके से ना पकड़े, फोन को हमेशा सीधा ही पकड़े। कई बार लोग फिर क्या करते हैं, जब बैठने का भी कई बार मौका मिलता है तो इस तरह से सपोर्ट लेके टेढ़े बैठ जाते हैं। कुछ लोग इस तरह से सो जाते हैं, सोफे पे बैठ के इसी तरह से टीवी देखते हैं, जिससे क्या होता है कि वही मसल्स हमारी मांसपेशियां जो है उनके ऊपर मसल्स सपोर्ट करने के लिए रीढ़ की हड्डी इस तरह से झुक जाती है और वो सारा दर्द बनता है। कभी भी टीवी देखते वक्त, सोफों पर बैठते वक्त हमेशा सीधे बैठें और अपने आंखों के लेवल पर ही टीवी रखें, ताकि ये जो आसपास की जो मसल्स हैं इनके ऊपर हमारा कोई भी प्रेशर ना पड़े और ये इनकी हेल्थ बनी रहे। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो हम लोग करते हैं वजन उठाने की। कई बार हमें कहते हैं कोई लोग, जैसे सिलेंडर उठा लो या कोई बेड सरका लो या टेबल सरका लो या सोफा सरका लो, उसके अंदर लोग क्या करते हैं वजन ऐसे झुक कर उठाते हैं। ऐसे झुक के उठाने से सारा का सारा प्रेशर हमारी इस कमर पे आता है। वजन को उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम वजन के पास में जाएं और अपने घुटनों से, कमर की बजाय घुटनों से उस वजन को यदि उठाएंगे तो कमर के ऊपर बहुत कम प्रेशर पड़ेगा और कमर दर्द होने से बच जाएगा। तीसरी बात क्या करते हैं, जब हम कभी अपने ऑफिसेज में, क्लास में कहीं बैठते हैं तो इस तरह से झुक के बैठते हैं। ये तरीका बैठने का बिल्कुल गलत है, इससे कमर पे सपोर्ट नहीं रहती और हमारी कमर में दर्द होता है। तरीका क्या है सही बैठने का, सीधे बैठें और आप अपनी कमर की सपोर्ट के लिए पीछे एक कुशन भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको कमर में दर्द कभी नहीं होगा। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं और जिन्हें अपनाते नहीं है, तो हमारी कमर का दर्द लगातार, मांसपेशियों का दर्द लगातार बना रहता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपने खाने के अंदर कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते। जब कैल्शियम नहीं लेते हैं तो हमारे अंदर बोन्स और उसकी जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। आप कभी अपना कैल्शियम चेक कराएंगे तो वो लेवल तो हमेशा ठीक रहेंगे, मगर खून के अंदर जो कैल्शियम होता है वो आपकी बोन्स से निकलकर खून में जाता है और वक्त के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी और दूसरी हड्डियां, कूल्हे की हड्डियां कमजोर होनी पड़ जाती हैं और उनके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो खाने के अंदर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो यूजुअली कैल्शियम पूरा मिल जाता है, मगर लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है उन्हें अपने खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनको अपने खाने के लिए उसके अंदर कैल्शियम से भरपूर खाना लेना चाहिए और डेली सुबह 10 मिनट सर्दियों के दिनों में धूप को जरूर लें, क्योंकि 10 मिनट यदि धूप ले लेंगे तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कभी भी कमी नहीं होगी, और यदि विटामिन डी कम नहीं होगा तो आपकी सारी हेल्थ, बोन की हेल्थ हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी भूल जो हम लोग करते हैं, देर से सोना, देर से सुबह उठना और ये बहाना मार देना कि मैं आज व्यस्त हूं, मैं काम एक्सरसाइज का भी नहीं कर सकता।
जो लोग अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत कमर की दर्द हमेशा बनी रहती है। तो उससे बचने का जो तरीका मैंने आपको बताना है, उसके जो एक्सरसाइज का तरीका है, वो यदि आप अपनी लाइफ में ले लेंगे तो आपको कमर का दर्द ठीक हमेशा कभी होगा ही नहीं, और जिन लोगों को पुराने टाइम से कमर का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो योगासन है इसका नाम है मरकट आसन। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने दोनों घुटने सुबह सवेरे बिस्तर के अंदर ही, जैसे ही आप सो के उठेंगे, उठना ही नहीं है, बेड के अंदर आंख खुलते ही आपको ये एक्सरसाइजेस में चालू कर देनी है। आपको अपने दोनों घुटने लेने हैं और इन दोनों घुटनों को इधर जमीन पर लगाना है और गर्दन को उस तरफ लगाना है, कंधे जमीन पर लगे रहेंगे 10 बार इधर करने से और फिर 10 बार इधर करने से। इस तरह से यदि ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके कमर के पुराने से पुराने दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि व्यायाम नियमित तौर पे करें, खाना कैल्शियम से भरपूर लें, अदरवाइज आप लोगों को टैबलेट्स खाने की जरूरत पड़ेगी। विटामिन डी के लिए डेली 10 मिनट धूप में जरूर बैठें और वजन गलत तरीके से कभी ना उठाएं, और अपने पोस्चर को, अपने मोबाइल को, अपने बैठने के तरीकों को यदि आप अच्छे से सुधार लेंगे तो जिंदगी में कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। थैंक यू करनाल प्लस फॉर ऑल दिस वीडियोज़।